पे चीजें सस्ती क्यों मिलती हैं और अमेजोन पे महंगी क्यों मिलती है, तो इसका एक ये बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हॉट एंड स्वीट रसोई। फ्रेंड्स, अभी से कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहे थे आइस बॉल मेकर, तो मुझे भी चुल मची और मैंने भी मंगवाने की ठानी। बट अमेजोन और मीशो पे कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, यानी अमेजोन पे अगर 999 में मिल रहा था तो मीशो पर वही 5 समथिंग में मिल रहा था, तो मैंने दोनों ही साइट से ऑर्डर कर दिया। अब जब मैं मीशो का आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पर हॉकी पॉट 14 पीसेस दिखा रहा है, बट जो परचेजिंग के टाइप पर मैंने पिक देखी थी वहाँ पर 17 पीस वाली प्रोडक्ट की पिक लगी थी। अभी डब्बे का भी हालत जो है ना वो बिल्कुल झरझर हुआ पड़ा है। तो ये तो रही, यहाँ से ये आप इसका जो है भेद खुलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जब मैंने अमेजोन का अनबॉक्स किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हॉकी पॉट 17 पीसेस लिखे हैं, तो अंदर भी आपको सेम चीज़ मिल रही है, प्लस डबल प्रोटेक्शन के साथ आपको ये चीज़ मिल रही है। मतलब पैकेजिंग अच्छी है, साथ में आपको मैनुअल भी मिल रहा है कि किस तरह से यूज़ करना है, तो डिफरेंस आप यहीं पर देख सकते हो, शुरू हो चुकी है। क्वालिटी वाइज लुक वाइज भी आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत बड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये अमेजोन से परचेज किया हुआ है और ये मीशो से परचेज किया हुआ है, जबकि पिक दोनों की ही सेम थी। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अमेजोन वाला जो है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके, यानी अनबॉक्स करके अच्छे से इसका रिव्यू दे देती हूँ। तो इसका कैप जो है वो मैं खोल रही हूँ, साथ में आपको ये जो अटैचमेंट है ताकि कैप वगैरह गुम ना हो, इसके लिए अटैचमेंट दिया हुआ है जो कि स्टिल अच्छे क्वालिटी का मुझे सब कुछ ही लग रहा है। इसके बाद आप देख सकते हो नंबर्स इसमें क्वालिटी वाइज चारों तरफ से, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और अब मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ट्राई किया बट ये खुल नहीं रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम थी इसके अंदर में। ये नहीं खुल रहा है, बहुत टाइट है फ्रेंड्स, मुझसे बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। चलो फिलहाल इसको मैं रखती हूँ और अभी मैं मीशो का आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मीशो की आप देख सकते हो कि ये हालत है, आप खुद ही देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रही। जैसे ही मैंने इसको खोला वो अटैचमेंट ही निकल गया। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर जो नंबर्स हैं क्यूब्स के, वो आप काउंट कर सकते हो, बहुत कम है, 10 10, और बीच में कहीं 4 है, तो टोटल 14 है, जबकि पिक में 17 दिखाई हुई है। ठीक है, क्वालिटी वाइज मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मेरे हाथ में, तो मैं कंपेयर कर पा रही हूँ, बट ये खुल गया आसानी से। आप देख सकते हो इस तरह से इसको खुलना है और फिर इसके अंदर पानी भर के इसको बंद कर देना है और फिर फ्रीज़ कर देना है। आगे बहुत सारे भेद खुलने वाले हैं फ्रेंड्स, तो देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टिल मैं दोबारा से इसको ट्राई कर रही हूँ अमेजोन वाला खोलने को, बट मुझसे नहीं खुला, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आकर ये खोले, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसमें शायद ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है। कुछ ट्रिक है क्या इसमें? बहुत टाइट है ये वाला, मीशो वाला तो आराम से खुल रहा है, ये वाला नहीं। बहुत टाइट है, देख। हाँ ये क्या है पता है, देखो। ओ भाई ये तो निकल गया, इसके अंदर भी लॉक है। फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर एक कवर है। ओह माय गॉड, इसमें आप ये लगा दोगे, लीक प्रूफ बन जाएगा और आप इसको कहीं भी आराम से कैरी कर पाओगे। थोड़ा सा कॉस्ट इसका ज़्यादा है। तो अब देखो, जब मैंने इस कवर को हटा दिया है तो ये बड़े आराम से खुल गया। इस तरह से आप इसको करके इसके अंदर पानी भर सकते हो और पानी भरने के बाद इस तरह से वापस कर दीजिएगा, जो एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा। और आपको ध्यान ये रखना कि जो ब्लैक, ये जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है ना, पानी आपको बस यहाँ तक ही, इसके नीचे ही रखना है, बिलो इसके रखना है, इसके ऊपर नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद आपको इसको लिड लगा देना है और फिर इसको आइस पर निकले दे देना है। तो दोनों की क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ्रेंड्स। बेसिकली ये बॉटल जो है सिर्फ आइस फ्रीज में रखने के लिए नहीं, बल्कि आप इस बॉटल को कैरी भी कर सकते हो, कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो तो आप इसके अंदर अपने ड्रिंक को ठंडा करके आइस बनाकर ले जा सकते हो, काफ़ी लंबे समय तक वो चिल्ड भी रहेगा और आप जब चाहो यूज़ भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपके इस बॉटल को होना चाहिए लीक प्रूफ, लेकिन मुझे मीशो वाले बॉक्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये लीक प्रूफ होने वाला है, बट आगे मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी कि कौन सा वाला बॉक्स ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो इतने तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मीशो पर चीज़ें सस्ती क्यों मिलती है फ्रेंड्स, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, वो भी देख कर ही जाना। तो मैंने चेक किया यहाँ पर मीशो के बॉक्स को, पानी डाल के कलरफुल पानी डाला ताकि लीकेज हो तो आपको आसानी से दिख पाए, और आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से इसके अंदर में लीकेज हो रहा है। वहीं जब मैंने मीशो का वहीं पर जब मैंने अमेजोन वाले बॉक्स को ट्राई किया तो बिल्कुल भी लीकेज इसके अंदर में नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर में डबल ढक्कन दिया गया है, जो मैंने शुरू में दिखाया ना ढक्कन, वो डबल ढक्कन इसके अंदर में है। चलो अब मैंने सोचा कि इसके अंदर में आइस जमा लेते हैं,
और फिर देखते हैं कि आइस की क्वालिटी कैसी आती है। तो दोनों के अंदर आपको पानी कुछ इस तरह से डालना है। मैं साथ में बता भी देती हूँ कि आपको इस बॉक्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो इसमें जो पानी आपको डालना है, जैसे मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया और वो गिरने लग गया अचानक से। तो आपको जो पानी डालना है वो आधा ही भरना है। उसके बाद जब आप कंप्रेस करोगे ना, तो वो सारे बॉल्स फुल हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने मीशो और अमेज़ॉन दोनों ही बॉक्स में पानी डाला। सेम टाइम पर पानी डालने के बाद मैंने सेम टाइम पे दोनों को फ्रीज होने के लिए डाल दिया है। अब जब मैंने सेम टाइम पर दोनों को बाहर निकाला, तो डायरेक्ट आप इसको खींचने मत लगना। पहले इसको या तो पानी में डीप कर लेना या पानी के नीचे थोड़ी देर रख देना, इससे ये इधर उधर वाले आइस मेल्ट हो जाएंगे। और जब मैंने खोला तो मीशो से सिर्फ मुझे क्रश ही मिला, एक भी बॉल नहीं मिले मुझे। 24 घंटे तक फ्रीज में रखने के बाद जो चाहिए था वही नहीं मिला, तो फिर क्या मतलब है इस बॉक्स का। वहीं अमेज़ॉन का बॉक्स खुल तो गया आसानी से, लेकिन इससे आइस बाहर निकालना जद्दोजहद करने से कम नहीं है। बहुत टफ था फ्रेंड्स, मुझे ये बिल्कुल ही फेल लगा ये प्रोडक्ट। बस आप इसमें आइस भर के ले जा सकते हो, अगर आप कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो, ठंडा पानी पीना चाहते हो, तो आइस वाला पानी ले जा सकते हो। साथ में फ्रीज में अगर आप चाहते हो कि आपके आइस में स्मेल ना हो, बाय द वे आपको स्मेल से प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह के बॉटल में आइस बना सकते हो, स्मेल नहीं आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय। लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना।